समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी एसटी में क्रीमी लेयर के प्रावधान के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि संविधान पीडीए के लिए संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु है। बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि संविधान में एससी एसटी में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करार दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट किया कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होता है। इसका उद्देश्य समाज का विभाजन या विघटन नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो इससे इसे आरक्षण के मूल सिद्धांत की अवहेलना होती है। उन्होंने कहा कि अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तन से पार्टी नहीं जा सकती। आरक्षण वंचित और शोषित को सबल और सशक्त करने का संवैधानिक मार्ग है। इसी की बदौलत बदलाव आएगा। आरक्षण को लेकर किसी भी प्रावधान को बदलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार हर बार गोलमोल बयान देती रही है। भाजपा की ओर से मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब पीडीए के विभिन्न घटक दलों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाई जाती है और फिर पीछे हटने का नाटक किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव अपने लंबे चौड़े पोस्ट में आगे लिखते हैं कि भाजपा की अंदरूनी सोच सदा से ही आरक्षण विरोधी रही है, इसलिए भाजपा से 90% पीडीए समाज के लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की विश्वसनीयता शून्य है। वास्तव में पीडीए के लिए संविधान एक संजीवनी है तो आरक्षण उसकी प्राणवायु है। तो वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसलों में सरकार की सही पैरवी ना करना आरक्षण खत्म करने की साजिश है। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे एससी व एसटी वर्गों के लोगों को क्रिमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उप वर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही एससी व एसटी वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम ना उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने एससी एसटी वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है और इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने कुछ सरकारी ट्वीट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। मतलब साफ है कि कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण वाले इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, चाहे फिर वो मायावती हो या फिर अखिलेश। लेकिन आने वाले उपचुनाव में ये मुद्दा किसके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा।